अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं हम सब लोग? आज हम करने वाले हैं CS 610 की करेंगे यहाँ पे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स बुक नहीं है। आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो आप दूसरे चैनल से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQs जो है ना हमारे, हम उसको आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। TCP यूजेज डैश फॉर्मेट फॉर आल मैसेजेस। TCP जो है ना वो तमाम मैसेजेस सेंड करने के लिए सिर्फ सिंगल फॉर्मेट को यूज़ करता है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मुझसे ये ले सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉपुलर यूज़ ऑफ डैश इज़ TCP सप्लाइसिंग। इट इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शंस एंड परफॉर्म सिगमेंटरी रूटिंग। तो यहाँ पे NAPT को यूज़ किया जाता है TCP सप्लाइसिंग में, जब हम दो इंडिपेंडेंट कनेक्शंस को जो है ना आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास OSPF इंक्लूड्स डैश एड्रेस मास्क विद ईच अदर। तो OSPF इंक्लूड्स 32-bit एड्रेस मास्क। तो ये 32-bit एड्रेस मास्क जो है ना इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, रूटिंग रेफर्स टू द डैश ऑफ रूटिंग इंफॉर्मेशन। रूटिंग रेफर जो है ना वो प्रोपोगेशन को रेफर करता है रूटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, OSPF इज़ बेस्ड ऑन। OSPF किस चीज़ पे बेस करती है? ये लिंक स्टेट रूटिंग के ऊपर बेस करती है, लिंक स्टेट रूटिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास, इफ़ IP रूटिंग फॉरवर्डिंग रेफर्स टू डैश ट्रांसफ़र। इन IP रूटिंग फॉरवर्डिंग रेफर्स, अच्छा तो IP रूटिंग में जो फॉरवर्डिंग है ना वो डेटाग्राम की तरफ ट्रांसफ़र जो है ना वो की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास, इन TCP व्हेन अ कंप्यूटर सेंड्स अ सिगमेंट द डैश एंड डैश फील्ड्स रेफर टू इनकमिंग डाटा। तो यहाँ पे जो है ना TCP में जब एक कंप्यूटर जो है ना वो सेंड करता है सिगमेंट को, तो नॉलेज नंबर और विंडो फील्ड जो है ना ये इनकमिंग डाटा को रेफर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, डैश इज़ यूज टू अटैच टू ऑटोनम सिस्टम। तो EGP जो यूज़ होती है वो दो ऑटोनम्स सिस्टम को अटैच करने के लिए। OSPF स्टैंड फॉर, OSPF का यहाँ पे हमारे पास एब्रीविएशन है वो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास, द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूजेस डैश फॉर ऑल कम्युनिकेशन। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है ना वो TCP को यूज़ करता है तमाम की तमाम कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, EGP स्टैंड फॉर। तो EGP जो है ना वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के तौर पे यूज़ होती है हमारे पास।
Yeah.